स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिससे आपकी जो क्विजेज हैं वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल फॉर्म से क्विज कैसे बनाया जाए। और उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज मेरे पास ये है कि अब आप अपने क्विज का सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, वो भी बिल्कुल फ्री। ये न्यूज़ आपके लिए और आपके पार्टिसिपेंट्स दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पार्टिसिपेंट क्विज में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट आपके पार्टिसिपेंट के लिए एक रिवॉर्ड जैसा है जो कि वो किसी को भी बता सकते हैं, कहीं पे भी उसे अटैच कर सकते हैं ये बताने के लिए कि उन्होंने किसी भी क्विज में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने कोई पोजिशन सिक्योर करी थी या फिर पार्टिसिपेशन करा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए और आपके पार्टिसिपेंट के लिए। इसका मतलब ना उन्हें कोई अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ना आपको किसी कंपनी को कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है certify.em। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये फर्स्ट लिंक आपके सामने है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं मैं मेरे एक गूगल अकाउंट से लॉगिन हूं, मुझे इसे इंस्टॉल करना है तो मैंने इंस्टॉल बटन पर क्लिक करा। इसने एक मैसेज आपको दिया, सर्टिफाई ईएम नीड्स योर परमिशन इन ऑर्डर टू स्टार्ट इंस्टॉलिंग। आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हुई है, थ्रू द अकाउंट टू कंटिन्यू टू सर्टिफाई ईएम। तो अब आप अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये कुछ एक्सेस आपसे मांगेगा तो आपको इसे अलाउ करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोसेस हो रही है, अब आपको डन पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो प्लगइन है इंस्टॉल हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से क्लिक करना है और फॉर्म्स के ऊपर जाना है। अगर आपको फॉर्म्स यहाँ से नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ड्राइव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, मोर पे जा सकते हैं और गूगल फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ से बैक जाइए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दी हुई है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, प्री डिफाइंड फॉर्म्स कुछ यहाँ पे बने हुए हैं। तो अब मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, आपको कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं करना है, आपको ब्लैंक के ऊपर क्लिक करना है। अब आप एक छोटी सी चीज देखेंगे कि यहाँ पे एक एड ऑन आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सेटिंग्स में जाना है और इस फॉर्म को क्विज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, क्विज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से आपने क्विजेस के ऊपर क्लिक करा और यहाँ से मेक दिस क्विज करा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिलीज ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। अगर आपको हर क्विज के एंड होने पे, हर क्विज के सबमिट होने पे उस पार्टिसिपेंट्स को उसका स्कोर दिखाना है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन करेक्ट आंसर पॉइंट वैल्यूज, ये आप शो कर सकते हैं। मिस्ड क्वेश्चन जो उन्होंने मिस कर दिए हैं, करेक्ट आंसर जो उन्होंने करेक्ट करे हैं, पॉइंट वैल्यूज जो उन्हें पॉइंट मिले हैं। इतना करने के बाद आपको जनरल पे आना है। यहाँ पे लिमिट टू वन रिस्पॉन्स आपको कर देना है ताकि एक पार्टिसिपेंट एक ही बार फॉर्म को सबमिट कर पाए। यहाँ पे अगर आप प्रोग्रेस बार दिखाना चाहते हैं तो आप प्रोग्रेस बार दिखा सकते हैं। शफल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन का ऑर्डर जो है वो शफल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक कंफर्मेशन मैसेज दे सकते हैं दैट योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। इतना करने के बाद आपको सेव करना है। अब मैं आपको यहाँ पे क्विज बना के बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया है क्विज का, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं।
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे चार ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, यहाँ पे जो आंसर की है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इनमें से सही आंसर चूज करना है। यहाँ पे वन कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट दे दिए 2 पॉइंट, मुझे डन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसे रिक्वायर्ड कर दिया। अब यहाँ से मैं एक नया क्वेश्चन ऐड करूँगा, इसे भी मैंने यहाँ से मल्टी चॉइस कर दिया। अब मैं आंसर सिलेक्ट करूँगा और इसे रिक्वायर्ड कर दिया। आंसर सिलेक्ट करने के साथ में इसे यहाँ पे पॉइंट भी देना रहेगा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया है। यहाँ से मैंने थर्ड क्वेश्चन इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे मैं ऑप्शन ऐड करता जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन का मैं आंसर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसे मैं पॉइंट दे देता हूँ और इसे मैं डन कर देता हूँ, इसे रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरी क्विज रेडी हो गई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टोटल पॉइंट 6 है, यहाँ से मैं प्लग इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, सर्टिफाई एम के ऊपर क्लिक करता हूँ, इनेबल सर्टिफाई एम इन द क्विज करता हूँ और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा पैनल आ गया है जिसके अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको करना है कंफर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस अभी ऑफ है, आपको इसको टर्न ऑन करना है। जैसे ही आपने इसको टर्न ऑन करा यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस अपने आप लेना शुरू कर देगा। आप चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेंट का नाम भी अगर एंटर कराएं तो आपको क्या करना है, आपको उसको मिनिमाइज करना है। यहां से एक नया आपने इंसर्ट करा क्वेश्चन और इसे ऊपर कर दिया आपने और यहां पे लिख दिया एंटर योर नेम रिक्वायर्ड कर दिया आपने इसे। ये 0 पॉइंट का है और यहां पे कोई आंसर की भी नहीं है, ठीक है। अब आपको सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स जो है वो यहां से देखने को मिल जाएंगे, ये आपके गूगल ड्राइव के ऊपर सेव होते जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे पासिंग परसेंटेज रखना है कि आप कितना परसेंट पे उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, 90%, 95%, 80%। यहां से मैंने 90% सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है कि सर्टिफिकेट का टेम्पलेट कैसा रहेगा। अगर आप सारे टेम्पलेट देखने चाहते हैं तो आप प्रीव्यू ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो आपको सारे टेम्पलेट एक बार डिस्प्ले हो जाएंगे, ब्लैक फ्रेम, ब्राउन फ्रेम, गोल्डन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पर्पल बैनर, रेड रिबन, स्माइली रिबन, टील बैनर, थम्स अप, ट्रॉफी, जिगजैग। तो जैसे कि मैंने यहाँ से ये ट्रॉफी वाला जो सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने यहाँ से ये ट्रॉफी वाला सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बता रहा है कि 99 ईमेल्स वो पर डे पे आपको प्रोवाइड करता है, मतलब एक दिन में आप 100 लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। योर ईमेल कोटा इज सेट बाय गूगल नॉट बाय सर्टिफाइड ईएम एंड रीसेट्स अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ ईमेल्स यू कैन सेंड पर डे डिपेंड्स ऑन योर अकाउंट टाइप एंड कैन नॉट बी इंक्रीज बाय 35 PM एंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय 35 EM। मतलब 100 ईमेल्स की आपको परमिशन है एक दिन के अंदर भेजने की। तो ये हो गया आपकी बेसिक सेटिंग। अब आपको करनी है एडवांस सेटिंग, तो एडवांस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको बता देना है एक मैसेज शोन अप अपॉन सबमिशन। जब आप एग्जाम को एंड करेंगे तो यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा, इफ यू पास्ड You will receive a printable certificate। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट अगर कुछ देना है, आप देना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं।
ये यहाँ पे हेयर का एक लिंक आपको दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा एडवांस सेटिंग का। यहाँ से आप दो चीजें आप उठा सकते हैं, एक तो सब्जेक्ट ऑफ ईमेल, द कस्टम सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल सेंट अपॉन मैसेज, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल, थैंक्स फॉर योर सबमिशन। टाइटल जो आपने क्विज का दिया है वो आप यहाँ से, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है आप यहाँ से ले सकते हैं, और ईमेल बॉडी में आप यहाँ से ये मैसेज को ले सकते हैं। और ईमेल मैसेज में मतलब ये वो मैसेज है जो सर्टिफिकेट के साथ उसे मिलेगा, तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट और मैसेज आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से आपने ये मैसेज ले लिया है, तो जो ईमेल बॉडी का मैसेज है आपको यहाँ से उठा लेना है और इसे यहाँ पे कंटेंट ऑफ बॉडी में पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इसको आपको थोड़ा मॉडिफाई कर देना है, सॉरी की जगह आपको लिख देना है कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये जो मैसेज है ये सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा जो 90% क्लियर कर लेते हैं और जिन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। तो यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन, फुल नेम यहाँ से आपको मिल जाएगा पार्टिसिपेंट का, यू पास द एग्जाम, एग्जाम का टाइटल आपको मिल जाएगा, योर स्कोर परसेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, पासिंग स्कोर, पासिंग परसेंट, इन सबको आपको एज इट इज रहने देना है। अब आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको लिख देना सर्टिफिकेट आईडी, यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख देना है सर्टिफिकेट आईडी, और कितने टैग्स आपके पास हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कहाँ से देखना है और कितने टैग्स आपके पास हैं, तो यहाँ से आप ये मर्ज टैग्स में देख सकते हैं। इतने टैग्स आपके पास हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से डेट भी उठा सकते हैं, द डेट ऑफ एग्जाम सबमिशन इन अप्रोप्रिएट रीजनल फॉर्मेट, द डेट ऑफ एग्जाम सबमिशन इन DDY फॉर्मेट, तो आप यहाँ से डेट भी उठा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने कर दिया है डेट, और मैंने यहाँ पे ले लिया है ये डेट का डेट टू वाला। अब इसे मैंने सेव कर दिया है, बस आपको इतना ही चेंजेस करना है, एडवांस के अंदर सेव कर देना है। अब ये सारे चेंजेस हो गए हैं, अब मैं आपको एक डेमो देके बताता हूँ। ये मैंने यहाँ से प्रीव्यू पे गया, यहाँ से मैंने ईमेल एड्रेस फिल करा, यहाँ पे मैंने नाम लिखा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा हार्ड डिस्क, रैम, अब मैं आपको डेमो देके बताता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट है आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं ये जो पूरी क्विज है ये यहाँ पे आ गई है। अब मैंने ऐसे करा ईमेल एड्रेस, नाम मैंने यहाँ से एंटर करा, यहाँ से मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करा, प्रोग्रेस बार यहाँ पे है, सेंड मी अ कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स माय रिस्पॉन्स, ये जो भी पार्टिसिपेंट फिल करेगा क्विज को उसको उसकी एक कॉपी मिल जाएगी अगर वो ये ऑप्शन चालू करता है। मैं यहाँ से इसे सबमिट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ यू पास्ड यू विल रिसीव अ प्रिंटेबल सर्टिफिकेट शॉर्टली। व्यू स्कोर करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 out of 6 आ गए हैं, पूरा सही क्वेश्चन है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर्टिफिकेट मुझे मिला होगा कि नहीं मिला होगा, तो मैं यहाँ से चलता हूँ मेरे दूसरे अकाउंट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे सबमिट आ गया है, थैंक्स फॉर योर सबमिशन टू बेसिक कंप्यूटर क्विज, जैसा कि मैंने टाइटल वहाँ पर रखा था। कॉन्ग्रेचुलेशन नितिन लाल चंदानी, यू पास द एग्जाम बेसिक कंप्यूटर क्विज, योर स्कोर 100%, पासिंग स्कोर 90%। डेट यहाँ पे आ गई है, सर्टिफिकेट की आईडी यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे ये सर्टिफिकेट भी आ गया है। आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आ गया है ऑन डेट विद अ पासिंग स्कोर ऑफ 100% सर्टिफिकेट आईडी। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में बताया है अपने पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए। बहुत ईजी है और आप एक दिन के अंदर 100 लोगों को सर्टिफिकेट दे सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो इससे आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे और आपकी क्विज का जो रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि इससे आपके जो क्विज के जो रिस्पॉन्सेज वो बढ़ गए हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।